अगर एक बार आपके मुंह लग गई ना भाई ये बाइक, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आजकल की जो मॉडर्न बाइकें हैं ना वो आप भूल जाओगे। ओएलएक्स पे जाओ या फिर कोई जहाँ पे सेकंड हैंड बाइक वगैरह मिलती हो आप वहाँ पे जाओ, आप वहाँ से इन बाइक्स को उठा सकते हो, आप चाहे स्क्रैप में उठा लो, ज़्यादा पॉल्यूशन निकालता है। तो उसकी वजह से इस बाइक को बंद किया गया था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसको जो ना चोर वगैरह यूज़ करते थे चोरी करने के लिए, चैन स्नैचिंग करने के लिए। हर कंपनी के देखो पॉल्यूशन नॉर्म्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा BS4, BS6 और BS7 भी आ चुका है अब तो। वेलकम बैक टू दी चैनल ऑटो मॉड। और गाइज आज जो बात करने वाले हैं ना, आज करने वाले हैं यामाहा के टू स्ट्रोक की बाइक के ऊपर, यामाहा RX 135 के मिथ के ऊपर बात करने वाले हैं बेसिकली। आज आपने देखो यार बहुत सारे रूमर्स देखे होंगे, न्यूज़ देखी होंगी, आपने देखा होगा कि भाई यामाहा RX कम बैक कर रही है, मतलब दोबारा वापस आ रही है। तो आज हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई यामाहा RX वापस आएगी या नहीं आएगी। तो आएगी तो कैसे, मतलब कौन से इंजन के साथ में आएगी, क्या मतलब स्पेसिफिकेशन रहेंगे इंजन के, वो आज बात करने वाले हैं। और थोड़े मिथ वगैरह भी आपको क्लियर करूंगा लोगों की कि भाई क्या इस बाइक को लेकर वो सोचते थे और क्यों इसको बंद किया, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बात करते हैं बाइक की। तो भाई मैं आपको क्लियर शब्दों में बताऊं, देखो बाइक तो वापस अब कभी नहीं आने वाली है ये, ठीक है। इस इंजन के साथ में कभी बाइक वापस नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ देखो इसका जो इंजन है ना वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकालता है। तो उसकी वजह से इस बाइक को बंद किया गया था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसको जो ना चोर वगैरह यूज़ करते थे चोरी करने के लिए, चैन स्नैचिंग करने के लिए, तो इस बाइक को इसीलिए बंद किया गया है। लेकिन ये रीज़न नहीं है गाइज, ये टोटली रॉन्ग है। जो भी आप सुनते होंगे कि भाई चोरों की वजह से बाइक बंद हुई है, वो टोटली गलत है। कंपनी के स्टैंडर्ड्स पे ये बाइक जो है ना खरी नहीं उतरी थी, मतलब जो पॉल्यूशन नॉर्म्स जो होता है कंपनी के, और हर कंपनी के देखो पॉल्यूशन नॉर्म्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा BS4, BS6 और BS7 भी आ चुका है अब तो। तो क्या होता है कि जैसे पॉल्यूशन बाइक करती है ना, तो पॉल्यूशन नॉर्म्स की वजह से इस बाइक को बंद कर दिया गया था। ये एक रीज़न था बाइक को बंद करने का, चोर वगैरह यूज़ करते थे वो एक कोई भी रीज़न नहीं था, आप उस चीज़ पर विश्वास ना करें। तो गाइस अब बात कर लेते हैं भाई कि वापस आएगी या नहीं आएगी बाइक। देखो अगर वापस आती है ना, RX 100 के नाम से आ सकती है, मैं इस बात को एग्री कर रहा हूँ, RX 100 के नाम से आ जाएगी। लेकिन जो इसका इंजन जो होगा ना, वो भाई 4 स्ट्रोक का होगा, BS7 जो भी मतलब हमारे नॉर्म्स चल रहे होंगे, पॉल्यूशन नॉर्म्स चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग बाइकें लॉन्च कर सकते हैं, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। और गाइज अगर हम बात करें भाई 2 स्ट्रोक इंजन की, भाई वो टोटली इलीगल है, रोड लीगल नहीं है वो इंजन, ये इलीगल इंजन हो चुके हैं अब, क्योंकि देखो इतना पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि पुलिस वाले रोक के आपकी बाइक को जब्त कर सकते हैं, और ये देखो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे अब लोगों के पास में भाई पहले की बाइकें बची हुई हैं, जैसे मेरे पास भी है, अंकित भाई के पास भी है, हमारे पास में भाई बहुत रेयर बाइक है ये, मतलब इतनी आपको बाइक रोड पे दिखती नहीं होंगी। और मैं भाई एग्री करता हूँ कि ये पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो कि गलत भी है, लेकिन भाई सही बता रहा हूँ, इन बाइक्स को इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि पॉल्यूशन बहुत करती है, इस चीज़ से देखो मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखो मैं भी इसको वीकेंड्स में निकालता हूँ, मैं भी मतलब रोज़ नहीं है कि हाँ भाई कि पॉल्यूशन करता फिर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, मैं भी इसको वीकेंड्स में निकालता हूँ, और जब कभी मेरे को वीडियो वगैरह शूट करनी होती है तब इसको बाइक को मैं निकालता हूँ, वरना मैं इस बाइक को नहीं निकालता हूँ। तो भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रोड लीगल बाइक खरीदना चाहते हो ना 2 स्ट्रोक, वो पॉसिबल नहीं है, आप वो नहीं खरीद सकते हो। अगर आपको ऑफ रोड बाइक चाहिए, कावासाकी वगैरह, KTM वगैरह, ये बाइक 2 स्ट्रोक बनाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए बनाते हैं बाइक्स ये। अगर आपको ऑफ रोडिंग के लिए 2 स्ट्रोक बाइक चाहिए तो आप डेफिनेटली भाई इंपोर्ट करवा सकते हैं, इंडिया से बाहर से आप लेके आ सकते हो, देन इंडिया के अंदर आप चला सकते हो रजिस्टर्ड करवा के उसको। और गाइस देखो यामाहा भी बनाता है 2 स्ट्रोक बाइक, लेकिन वो डर्ट बाइक होती है, वो क्या है कि भाई माउंटेन्स के लिए और तुम्हारे ऑफ रोडिंग के लिए होती है, वो रोड लीगल नहीं होते, रोड पे आप इन बाइक्स को कभी नहीं चला सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं देखो इस बाइक की कि सरकार ने या फिर कंपनी ने इसको क्यों बंद करा। देखो आपने देखो पॉल्यूशन नॉर्म्स का नाम सुना होगा, BS3, BS4, BS6, ये क्या है कि पॉल्यूशन नॉर्म्स है। अब देखो BS7 भी आ चुका है, BS7 कंप्लाइंट बाइक आ रही है, यार ये कहाँ रिलाई करेगी, आप खुद बताइए यार, ये बहुत पुराने टाइम की बाइक है और बहुत पॉल्यूशन करती है। तो पॉल्यूशन करने की वजह से ये कंपनी और या सरकार ने इसको बंद किया है या बैन किया है, ठीक है। देखो आप देख रहे होंगे जो BS4 है, BS6 है, इन बाइक्स में क्या है कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कंपैरेटिवली इसको इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जो BS4 और BS6 में जो BS6 है
उनमें पॉल्यूशन इतना नहीं होता है, आपको सही बताऊं। लेकिन फिर भी क्या, गवर्नमेंट उनको बैन करके भाई BS7 लेके आ रही है। कहीं ना कहीं ये सारी बाइकें जो हैं या सारे व्हीकल जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो इसी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट जो ना पॉल्यूशन नॉर्म्स लेके आ रही है ताकि एनवायरनमेंट के अंदर कम से कम पॉल्यूशन हो और कम से कम पॉल्यूशन करें बाइक। तो भाई ये कहीं रिलाई नहीं करती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती है। इस वजह से बाइक को बंद किया था कंपनी ने और गवर्नमेंट ने भी इस पर बैन कर दिया था। यार देखो, कुछ लोगों के मन में अब भी एक डाउट आ रहा होगा कि भाई इन बाइक्स को हम कहाँ से ले सकते हैं। देखो केरल वगैरह में भाई अभी भी लीगल है, आपको सही बताऊँ, केरल वगैरह में आप जाओगे इनको देखोगे टू स्ट्रोक बाइक को, वो भी अब भी लीगल है, वो रिन्यू हो जाती है एक साल के लिए, दो साल के लिए रिन्यू हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि देखो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पॉल्यूशन का कोई ऐसा वो नहीं है, तो आप इनको रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाइक चाहिए, अगर आप जैसे दिल्ली NCR वगैरह में रह रहे हैं, अगर आप इन बाइक का मजा लेना चाहते हो ना, तो आप ले सकते हो। आप देखो OLX पे जाओ या फिर कोई जहाँ पे सेकंड हैंड बाइक वगैरह मिलती हो आप वहाँ पे जाओ, आप वहाँ से इन बाइक्स को उठा सकते हो। आप चाहे स्क्रैप में उठा लो, चाहे मतलब वर्स्ट कंडीशन में उठा लो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको रिस्टोर करवा के इसका मजा ले सकते हो। कोई और मैं अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो देखो आपको 10-12 हज़ार रुपये में बाइक मिल जाएगी, बहुत सस्ती बाइक है यार, आपको 10-12 हज़ार में मिल जाएगी। और उसके बाद में आप इसको रिस्टोर करवा के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप दोनों देख रहे होगे मेरा टेस्ट कुछ और है और अंकित भाई का टेस्ट कुछ और है। अंकित भाई ने अलॉय वगैरह लगा के इसको बहुत बढ़िया बना रखा है, मैंने बॉन्ड स्टॉक करा हुआ है क्योंकि मेरे को देखो स्टॉक बाइक पसंद है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और अगर एक बार आपके मुंह लग गई ना भाई ये बाइक, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आजकल की जो मॉडर्न बाइकें हैं ना वो आप भूल जाओगे, सच बता रहा हूँ भाई। मैं एग्री करता हूँ कि बाइक पॉल्यूशन करती हैं और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं वो, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन गाइज मैं एक बार आपको सजेस्ट करता हूँ मैं आपको, एक बार आप एक बार चला के देखना, ना फैन हो जाओ ना तो भाई आके बोलना फिर मेरे को, ठीक है। इन बाइक्स का देखो मेरे को एक किसी ने बात बोली थी भाई कि जिसके पास में RX नहीं है वो राइडर नहीं है, तो भाई मेरे को वही बात लग गई थी। मैं भी सोच रहा था कि मैंने भी सोचा कि भाई मैं देखूँ तो सही इन बाइक के अंदर है क्या। मैंने इसको ख़रीदा और मैं इसको चलाता हूँ ना भाई, लिटरली ऐसे उड़ती है ना बाइक, बहुत ज़्यादा उड़ती है। अभी मैं देखो क्लिप लगाऊंगा आपकी, आप व्हीली चेक करना एक बार कि कैसे व्हीली करती है, कितने प्यार से व्हीली करती है। भाई अब बात करते हैं सर्विस कॉस्टिंग की, अगर आप इन बाइक को ओन करते हो तो सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट है ना आप तब भी इसको ओन कर सकते हो यार, कुछ भाई कोई मेंटेनेंस ही नहीं है इसका, आप बस सर्विसिंग पे जाओ भाई, ऑयल चेंज कराओ, फिल्टर साफ कराओ, दैट्स इट, सर्विस हो गई और कुछ नहीं होता सर्विसिंग के नाम पे इसमें। और मैं सच बताऊँ बहुत चीप बाइक है भाई, बहुत चीप रेट में ले सकते हो आप और बहुत चीप इसको मेंटेन कर सकते हो। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि भाई हाँ कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस वाली बाइक है, पुरानी बाइक है तो भाई सामान नहीं मिलता, सारा सामान अवेलेबल है इसका भाई मार्केट के अंदर, आप कुछ भी इसका ले सकते हो इंजन और चेचे छोड़ के। और मेरे को लगता है यार वो भी मिल जाती हैं, आप जैसे थोड़ा बहुत सोर्सिंग करोगे ना तो वो भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, देखो अगर आप इनको ओन करते हो ना भाई, इनको मेंटेन करना भी भाई उतना ही आसान है, उतना ही चीप है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। तो गाइस यही था इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको सारे मिथ वगैरह क्लियर हो गए होंगे और आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करके आंसर दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लो। और यहीं पे आपको मेरा इंस्टाग्राम फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को DM करके भाई क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दी RX 100 और RX 135। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो में जरा भी मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राइड आर राइड से बाय बाय।